तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ iOS 18 के कमाल के नए फीचर बताने वाला हूँ, जो कि आपके आईफोन के अंदर आएंगे आफ्टर iOS 18 अपडेट के बाद। ये जो पब्लिक वर्जन है इसका रोल आउट होगा सितंबर में, रोल आउट होगा iOS 16 सॉरी iPhone 16 लॉन्च होने के बाद। फिलहाल ये बीटा टेस्टिंग के लिए रोल आउट हो चुका है, और जिसके अंदर कमाल कमाल के फीचर्स आए हैं, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके तो इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि उन्होंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ iOS 18 के कमाल के नए फीचर के बारे में। तो दोस्तों ये फिलहाल जो iOS जो मैंने अपडेट कर रखा है, ये है पब्लिक बीटा वर्जन, ऑफिशियली लॉन्च इसका सितंबर तक लॉन्च होगा। तो यहाँ पर कमाल के नए फीचर एड ऑन किए गए, उसके बारे में बता दूँ। सबसे पहला जो यहाँ पर कमाल का फीचर है कि यहाँ पर आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। आप ऑफिशियली ऐप लॉक यूज कर सकते हैं आप सैमसंग गैलेक्सी में। जैसे कि मुझे कैमरे में लॉक लगाना है, मान लो मुझे ऐप स्टोर के अंदर लॉक लगाना है। मैंने इसको थोड़ी देर क्लिक करके रखा, ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा आपको रिक्वायर फेस आईडी, आपको उस पर क्लिक करना है, उसको यहां से इनेबल कर देना है। और जब भी अब मैं इसको खोलूंगा तो मुझे यहां पर फेस आईडी लगानी पड़ेगी। लगने के बाद जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो फेस आईडी पहले तो मांगेगा, उसके बाद ही वो ओपन होगा। अगर फेस आईडी नहीं लगेगी तो, जैसे कि मान लो मैंने इसको क्लोज कर दिया और अब इसके बाद मैं इसको खोलूंगा तो बता रहा है फेस आईडी रिक्वायर टू ओपन है एप स्टोर, नहीं तो वो ओपन नहीं होगी, वो एर हो जाएगा। तो ऑफिशियली ऐप लॉक का आपको यहाँ पर सपोर्ट दे दिया गया है। उसके बाद बात करें सेकंड नए फीचर्स की, जो कि ये है कि अब आप अपने ऐप स्क्रीन जो ऐप होती है ना, उसको भी यहाँ पर मूव ऑन कर पाएंगे। जैसा कि आप अपने दूसरे सैमसंग गैलेक्सी या कोई से भी हैंडसेट में रहते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया और मुझे कहीं भी लेके जाना है, जहाँ रखना है, तो मैं यहाँ पर उसको ऐसे भी ड्रैग ऑन ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ये फीचर भी यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया, जो कि पहले नहीं था। बहुत ही कमाल का फीचर। और सबसे मेन चीज यहाँ पर, आपको जब भी अपने आईफोन को स्विच ऑफ करना होता था तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती, तब जाके आप स्विच ऑफ करते थे, बट अब यहाँ पर भी आपको एक अलग से ऑप्शन दे दिया गया है, जिससे आप इजीली आप अपने आईफोन को स्विच ऑफ कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पर ये स्विच ऑफ का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑफ का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके अलावा पूरा कंट्रोल पैनल यहाँ पर चेंज कर दिया गया। आप देख रहे होंगे पूरा कंट्रोल पैनल को यहाँ पर चेंज कर दिया गया। तीन यहाँ पर मोड दे दिए गए हैं। यहाँ पर सेकंड वाले में जो म्यूजिक चलाएंगे तो म्यूजिक आपको यहाँ दिखेगा। थर्ड में जो भी आपके यहाँ पर कनेक्शन है, एयरपोर्ट, एयर ड्रॉप, वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वीपीएन, सब आप तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इसको पूरा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इसको बड़ा करना हो तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना हो तो छोटा कर सकते हैं। ये पूरे कस्टमाइजेशन के आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको दे देंगे। एड ऑन करना है तो और भी एड ऑन कर सकते हैं, इतने सारे यहाँ पर दिए गए। जिसको भी आपको एड ऑन या ऑफ करना है, आप यहाँ से उसको वहां पर एड ऑन कर पाएंगे। ये फीचर भी इसके अंदर कमाल के एड ऑन कर दिया गया। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर अपने इसकी गैलरी में या फोटोज वाली ऐप में जाएंगे तो उसको भी पूरा रीडिजाइन कर दिया गया है। रिसेंट डेज के हिसाब से अलग अलग फोटोज आपको दिख जाएंगी, और इसको ओपन करने के बाद फोटो अलग ही स्टाइल से ओपन हो रही है। तो आप देख रहे होंगे अलग ही स्टाइल से इस फोटो को ओपन किया जा रहा है, पूरा अलग यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। तो फिलहाल यही कुछ नए चेंजेस जो कि मैंने आपको बताया, और नए फीचर थे जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट किए गए आईफोन iOS 18 में, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। इतना सब कुछ कर ही लेंगे, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।